Right? I'm saying it again and again and again. Nobody's listening to me. I am sorry to say, our people are going to go through unimaginable pain in the next 6 months. देखिए, मैं पहले से कह रहा हूँ कि आर्थिक सुनामी आने वाली है. कोविड से पहले मैं कह रहा था और अब मैं कह रहा हूँ कि 100% आर्थिक सुनामी आ रही है. और मैं सरकार से कह रहा हूँ, हर रोज कह रहा हूँ कि आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए. सरकार कोई प्रिपरेशन नहीं कर रही है, बस मतलब वही यहाँ पे मतलब वही अपने मतलब उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं. मगर जो फंडामेंटल प्रिपरेशन करनी है हिंदुस्तान को डिफेंड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, जो राष्ट्रवाद की बात होती है, वो नहीं हो रहा है. और मैं दुख से कह रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसा इकोनॉमिक झटका पड़ने वाला है कि करोड़ों लोगों को नुकसान होगा, दुख पहुँचेगा करोड़ों लोगों को, मगर कोई सुन नहीं रहा है. इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मूडीज रेटिंग. मूडीज रेटिंग इज नॉट द इशू हियर, राइट? वी हैव कम इनटू अ माइंडसेट व्हिच इज मिस्टर नरेंद्र मोदीज माइंडसेट दैट वी आर रेटेड बाय सम आउटसाइडर्स. आई एम नॉट बदर्ड व्हाट द आउटसाइडर्स आर सेइंग. ओके, आई अंडरस्टैंड व्हाट आवर स्ट्रेंथ्स आर. नाउ द प्रॉब्लम इज दैट दीज पीपल डू नॉट बिलीव इन आवर स्ट्रेंथ्स. दीज पीपल वॉन्ट to be rated by Moody's, to be rated by Standard & Poor, to be rated by Mr. Trump. I don't care about all that rating. I don't give a damn about that rating. I know what our strengths are, and I'm saying to you, start to prepare our strengths. Start to create a defensive situation. Okay? Because if you don't, there will be devastation. Again, there will be devastation. You think this one bank is a problem? Number of other banks are going to fall. That's what I'm trying to say. I'm trying to tell the Prime Minister, get your head out of the sand. Your head is right now in the sand. Pull it out. Look around what's going on. Don't be scared. Remove the fear that you've always carried all your life, because India needs you to do that. Thank you.